नमस्कार, मैं नरेश रागानी, स्वागत करता हूँ आपका होराइजन न्यूज पर। आइए देखते हैं अजमेर शहर की बड़ी खबर। सवा लाख की ठगी के मामले में तीन गिरफ्तार। गंज थाना पुलिस ने किया जयपुर के रहने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार। मुख्य आरोपी अभी चल रहा है फरार। गंज थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पहले मोबाइल फोन पर खुद को पाली पुलिस अधीक्षक बताकर चंद्रशेखर नाम के एक व्यापारी से 1.25 लाख की ठगी करने के आरोप में पुलिस ने तीन युवक को गिरफ्तार किया है। तीनों युवक जयपुर के रहने वाले हैं। गंज थाना पुलिस ने अपना जाल बिछाकर अनुराग शर्मा, आकाश सैनी और साहिल त्रिवेदी को गिरफ्तार किया है, जबकि इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मामले के अनुसार मुख्य आरोपी ने व्यापारी चंद्रशेखर को फोन करके रुपए की मदद मांगी थी। उसने चंद्रशेखर के बैंक अकाउंट नंबर दिए थे। इनमें से दो अकाउंट जयपुर के PNB और SBI बैंक के थे। पुलिस ने दोनों अकाउंट नंबर के खाता धारकों को गिरफ्तार किया तो उन्होंने बताया कि अनुराग शर्मा नाम के अन्य युवक ने उनसे बैंक अकाउंट नंबर मांगा था। पूछताछ के बाद पुलिस ने अनुराग शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस थाना गंज पर दिनांक 2/11 को प्रार्थी चंद्रशेखर राठौड़ ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसके फ़ोन पर 23/10/17 को किसी व्यक्ति ने फ़ोन किया और बताया कि वह पुलिस अधीक्षक पाली बोल रहा है और अपनी मजबूरी बताकर उसने 2-3 अकाउंट नंबर दिए और उन अकाउंट नंबर्स में पैसे डलवाने के लिए कहा। तब प्रार्थी व्यस्त था तो उसने अपने मुनीम को पैसे डलवाने के लिए खाता नंबर दिए और वो नंबर भी दिए जिन नंबर से फ़ोन आया था और इस तरीके से उसने उस दिन मुलजिम के खाते में लगभग 1.25 लाख रुपए जमा करा दिए थे। जब प्रकरण पंजीबद्ध हुआ तो उन खाताधारकों के संबंध में अनुसंधान किया गया व टेलीफोन नंबर के बारे में भी मालूम की गई तो वो जो खाते हैं PNB के और SBI के कुल 4-5 खाते थे जिनमें पैसे डलवाए गए थे। तो जयपुर PNB और जयपुर SBI जाकर मालूमात की गई तो उसमें 50,000 रुपये दो खातों में जमा हुए थे, जिसमें एक खाताधारक का नाम तो आकाश सैनी है जो स्वर्णपथ मानसरोवर का रहने वाला है और दूसरा खाताधारक जो है वो साहिल त्रिवेदी है, वो त्रिपोलिया बाजार जयपुर का रहने वाला है। इन दोनों को डिटेन कर इनसे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि साहिल त्रिवेदी का एक दोस्त है अनुराग शर्मा, उसके कहने पर उसने ये खाताधारक जो है इन्होंने अपने नंबर अनुराग शर्मा को दिए थे और अनुराग शर्मा ने वो खाता नंबर जो तीसरा आदमी है जो ये ऑपरेट कर रहा था सिस्टम को उसको दिए थे। उनके कहने पर ये पैसे डलवाए थे और जो पैसे प्रार्थी ने डलवा दिए थे जो मोबाइल नंबर है अज्ञात मोबाइल नंबर जिसका नंबर है लेकिन अभी उसका नाम पता ज्ञात नहीं हुआ है, उसने वो अनुराग शर्मा के माध्यम से पैसे निकला कर उसके कहे अनुसार थर्ड पार्टी को पैसे दे दिए थे। तो अभी जो नंबर से फ़ोन आया था उस नंबर को जो खाता नंबर प्रोवाइड कराए थे अनुराग शर्मा और दो खाताधारक जिनके खातों में पैसे आए थे साहिल और आकाश, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है और इनसे फर्दर अनुसंधान जारी है और मोबाइल नंबर जिससे फ़ोन आए थे उनके बारे में भी अनुसंधान किया जाना शेष है। सर, क्या इनका पहला भी कुछ इस तरह का मामला आया है कि इन्होंने पहले भी कुछ इस तरह की फ्रॉड किया? नहीं, अभी ऐसा नहीं आया है। अनुराग शर्मा जिसको हमने गिरफ्तार किया है इसके विरुद्ध मानसरोवर थाने में आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज है, 2 मारपीट के मुकदमे दर्ज है और इसके विरुद्ध 151 भी कार्रवाई थाने में हो रखी है। क्या स्टूडेंट है क्या ये? नहीं, स्टूडेंट नहीं है ये सभी। ये अनुराग तो पूर्व में जेल जा चुका है, छोटा मोटा कोई होटलों पे काम करता है और अभी ये फ्री है, ऐसा कोई स्पेसिफिक कार्य नहीं कर रहे। सर, इस व्यापारी को ही मोटिव अपना बनाया इन्होंने, टारगेट बनाया क्या कोई व्यापारी से? डायरेक्ट जो ये तीन पकड़े हैं इनका भी कोई संबंध सामने नहीं आया है। व्यापारी ने को जो संपर्क किया गया था वो व्यक्ति जो मोबाइल धारक है उसके संबंध में इंट्रोगेशन और अनुसंधान बाकी है, उसी से अनुसंधान करने पर ये ज्ञात होगा कि हमारे मुकदमे के जो प्रार्थी है चंद्रशेखर जी। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती की बड़ी मुसीबत। अजमेर राजपूत समाज ने किया प्रदर्शन। सिनेमा घर पर जाकर प्रबंधकों से फिल्म नहीं लगाने की अपील। गुस्सा जताकर हिंसा के लिए भी चेताया राजपूत युवाओं ने।
फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाले की अपकमिंग फिल्म पद्मावती को लेकर राजपूत समाज में रोष बढ़ता ही जा रहा है। राजस्थान सहित अन्य राज्यों में फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसी बीच अजमेर में भी राजपूत कर्णी सेवा ने विरोध प्रदर्शन किया। राजपूत समाज के युवाओं ने सिनेमाघर पर जाकर फिल्म को प्रदर्शित नहीं करने की अपील की है। राजपूत युवाओं ने दो टूक शब्दों में चेतावनी भी दी है। इन युवाओं का कहना है कि रानी पद्मावती ने जौहर कर अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा की थी। संजय लीला भंसाली और फिर कोई और हो, रानी पद्मावती के सम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी तरह की कोई भी फिल्म स्वीकार नहीं की जाएगी। कन्नी सेना के कार्यकर्ताओं ने फिल्म का विरोध करने के लिए पहले एक जगह स्थान पर एकत्रित हुए, फिर वाहनों पर सवार होकर सिनेमा गृह पर गए। इस दौरान पुलिस भी पूरे समय तैनात रही। राजपूत कन्नी सेना अजमेर और साथ में कई संगठनों का समर्थन और क्षेत्रीय महासभा युवा पूरा युवा साथ में और शिवसेना और भी कई संगठन राजपूत कन्नी सेना के साथ में आके, क्योंकि बात एक सेना की नहीं है, बात है पूरे हिंदू समाज की, हिंदू राष्ट्र की। पद्मावती एक राजपूत सतरानी थी और वो एक हमारे लिए देवी है, मातेश्वरी है, और हमारी मातेश्वरी का अगर मान सम्मान नहीं रखा जाएगा तो इसका पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो दिया जा रहा है, देखा जा रहा है मीडिया के थ्रू, आप सब देख रहे हैं, और जो देखा जा रहा उसी तरह आज पूरे अजमेर जिले के अंदर जितने भी सिनेमाघर हैं उसके अंदर जाके शांतिपूर्वक तरीके से उनको बताया गया जाएगा कि अगर ये फिल्म चलाई जाएगी तो इसका वो रूप देखा जाएगा यहाँ पे जो पूरे हिंदुस्तान में दिख रहा है, और पूरा युवा, पूरा राजपूत समाज, पूरा क्षत्रिय समाज और भी कई संगठन जो दूसरी जाति से भी हैं वो हमको पूरा समर्थन दे रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, जाट हो, कुछ भी हो, वो सब साथ में है, और वो हिंदू राष्ट्र का है, बात हिंदू राष्ट्र की है, और पूरा जोर शोर से साथ में हम शांतिपूर्वक तरीके से समझाएंगे, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो उसका भुगतान श्री राजपूत कर्णी सेना सब जानती है क्या करना है क्या नहीं करना है। और अगर कुछ लगाने के बावजूद मूवी चलती है यहाँ पे, तो मैं नवनीत सिंह भारीजा, देवेंद्र सिंह पिपरोड़ी और हमारे समाज के सारे भाई जिम्मेदारी लेते हैं कि उसको जला के राख कर देंगे। सर, अभी जो पोस्टर लगे हैं, अगर पोस्टर लगे हैं नहीं, अगर पोस्टर लगे तो पोस्टर हटेंगे, आज ही हटेंगे और हम हमारे पोस्टर लगा के और वहाँ लगा के जाएंगे। और मैं सभी शहरवासियों से कहना चाहूंगा कि ये मूवी देखने से पहले चाहे फैमिली के साथ जाओ चाहे किसी के साथ जाओ, नहीं जाएंगे, अगर जाते हैं तो वो जिम्मेदारी खुद लेके चले अपने। ये देखो बात क्षत्रिय की है और हिंदू राष्ट्र की है, तो आप सब समझदार हैं। और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारा समर्थन करें। और देखो मेरे को ज़्यादा बोलना नहीं आता, लेकिन मैं सब करने में जानता हूँ। नवनीत सिंह भारीजा। बेटियों के प्रति जागरूक करने के लिए हुआ सेमिनार। सेमिनार में बताया कि बेटियां होगी तभी सृष्टि चलेगी। राजकीय कन्या महाविद्यालय में बेटियों की रक्षा के लिए दिलाई गई शपथ। बेटियों की रक्षा और उनके विकास महत्व पर राजकीय कन्या महाविद्यालय में सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार में वक्ताओं ने बेटियों को प्रकृति का अभिन्न हिस्सा बताते हुए कहा कि बेटियां होगी तभी आगे की सृष्टि चल पाएगी। भारतीय समाज में बेटे और बेटियों के बीच किए जाने वाले भेदभाव पर वक्ताओं ने चिंता जताई। कार्यक्रम में स्लाइड के माध्यम से बेटियों के महत्व पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में कई डॉक्टर ने भाग लेकर बेटियों को बचाने की अपील की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महाविद्यालय की छात्राओं ने भाग लिया। आज पूरे अजमेर जिले में 25 जगह पर डॉक्टर ऑफ फिशेज कैंपेन के तहत ये बेटी अमूल्य नाम से आज हम कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं, जिसमें समाज को बेटियों के प्रति सकारात्मक माहौल की भावना पैदा हो, ये हम संदेश देना चाह रहे हैं। और जो राजस्थान में अजमेर ज़िले में जो बेटियों का लिंगानुपात गिर रहा है उसको रोकने के लिए हमारा एक प्रयास है, और हम सभी लोगों को पूरे अजमेर वासियों को मैसेज देना चाहते हैं कि वो बेटियों को अमूल्य माने और बेटियों को बेटों के बराबर ही माने, क्योंकि जल, जंगल, जमीन और जननी बचेंगे तो ही सृष्टि बचेगी। इसके तहत हमने आज ये राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर में इन बेटियों के साथ हमने आज ये कार्यशाला आयोजित की है, जिसमें पूरा इनको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के तहत पूरा इनको बेटियां क्यों अमूल्य है और राजस्थान में क्या सेक्स रेशियो है, PCPNDT एक्ट क्या है, ये सब बातें उनको हम डिटेल से बताइए। और बेटी बचाओ पे इन सभी बेटियों और यहाँ फैकल्टी को हम एक शपथ दिलाएंगे ताकि बेटियाँ बचे और ये सृष्टि और ये समाज बचे। डॉक्टर रामलाल चौधरी, RCHO अजमेर।
चाइल्डलाइन एनजीओ ने बच्चों को बुलाया पुलिस अधिकारियों से। 1098 नंबर पर फोन करके किसी भी बच्चे की दी जा सकती है जानकारी। एनजीओ कर रहा है बच्चों के विकास के लिए काम। चाइल्डलाइन एनजीओ के पदाधिकारियों ने उनके संरक्षण में शिक्षा अर्जन कर रहे बच्चों को पुलिस अधिकारियों से मिलाया। एनजीओ द्वारा बच्चों के विकास के लिए काम किया जा रहा है। बच्चों ने पुलिस अधिकारियों से मिलकर प्रसन्नता जताई। एनजीओ की ओर से 1098 नंबर जारी किया गया है। इस नंबर पर ऐसे किसी भी बच्चे की सूचना दी जा सकती है जिसे किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता हो। पुलिस अधिकारी ने भी लोगों से अपील की कि जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए एनजीओ सहित पुलिस कंट्रोल रूम पर भी उसकी जानकारी दी जा सकती है। बात करना चाहते थे तो चाइल्ड लाइन के जो स्टाफ है, इनसे जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं एनजीओज, वो मीडिया कर्मी सारे आए, बच्चों से बातें की। बच्चों से मिलकर के बड़ा अच्छा लगा। बच्चों से पूछा कि क्या उनके आसपास कहीं कोई ऐसी बात हो जिससे बच्चों को कोई कठिनाई हो, परेशानी हो, उनके साथ कोई छेड़खानी हो, उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई हिंसा हो, तो वो 108 पे भी सूचित करें। 1098 पर उसकी सूचना दें। साथ साथ ही पुलिस के थाना है, कंट्रोल रूम है, एसपी ऑफिस है, इस पे वो सूचना दे सकते हैं। अपनी बात लिख करके लेटर में वो भी किसी भी प्रशासनिक इकाई के पास पहुंचा सकते हैं। और हम भी लगातार इस बात के लिए विजिलेंट रहते हैं कि बच्चों के साथ किसी प्रकार की कोई हिंसा ना हो। बच्चों के लिए स्पेशल एक्ट भी बने हुए हैं, इनके लिए प्रावधान भी अलग हैं। यदि कोई बच्चा विधि के विरुद्ध संघर्ष करता है तो उसके लिए भी कानून अलग हैं। उनको ट्रीट भी करने का, उनके साथ व्यवहार करने का भी तरीका अलग है। तो आज बड़ा अच्छा लगा, ये एनजीओ भी आए और बच्चे भी हमसे मिले, हमारी बहुत बहुत शुभकामना। स्पेशल डे मनाया, इसमें प्रशासन के साथ में बच्चों से रक्षा सूत्र बंधवा रहे हैं। बच्चे रक्षा सूत्र बांध के प्रशासन से वादा ले रहे हैं। खासतौर पे कलेक्टर साहब के रक्षा सूत्र बांधा है, अभी एसपी साहब डीएसपी साहब के रक्षा सूत्र बांधा है, फिर अभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस थाने हैं, मीडिया कर्मी, उनको भी हम रक्षा सूत्र बंधवा के वादा ले रहे हैं बड़े लोगों से कि वो बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा रक्षा करें, बच्चों के अधिकारों की ज़्यादा से ज़्यादा रक्षा करें और ज़रूरत पड़ने पर उनकी पैरवी करें। आज ये रक्षा सूत्र का और ग्रीटिंग कार्ड दे रहे हैं बच्चे ये चाइल्डलाइन की तरफ से कि बड़े जो हैं वो बच्चों के दोस्त बने, दोस्ताना माहौल बने बच्चों के प्रति बड़ों का, उनका जो डांटना फटकारना कम हो, हिंसा की घटनाएं कम हो, ये ग्रीटिंग कार्ड दे रहे हैं बच्चे और रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। वैन हमने अभी पंसील हमारा जो ऑफिस है क्रिश्चियनगंज थाने के पीछे वहाँ से रवाना करी है और यहाँ एडिशनल एसपी साहब ने इसको हरी झंडी दिखाई है। पूरे सिटी में हम घुमाएंगे दो दिन इसको, ताकि ये जो 1098 नंबर है चाइल्डलाइन का, इसके बारे में बच्चे भी अवेयर हो और बड़े लोगों को भी पता चले। कहीं पे भी कोई मुसीबत में फंसा हुआ बच्चा मिलता है तो 1098 पे कॉल करके चाइल्डलाइन टीम के माध्यम से उस बच्चे की हेल्प ली जा सकती है। नानूलाल प्रजापति, चाइल्डलाइन समन्वय। संविदा नर्सिंग कर्मियों ने की नियमितता करने की मांग। जुलूस निकाल कर कलेक्टर पर किया प्रदर्शन, वसुंधरा सरकार के खिलाफ लगाए नारे। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में संविदा पर कार्यरत नर्सिंग कर्मियों ने नियमित करने की मांग को लेकर कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। नर्सिंग कर्मियों ने अस्पताल से लेकर कलेक्टर तक रैली निकालकर वसुंधरा सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इन कर्मियों का कहना है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पिछले चुनाव के दौरान संविदा पर काम करने वाले नर्सिंग कर्मियों से उन्हें नियमित करने का वादा किया था, लेकिन 4 साल बीतने के बाद भी सरकार वादा पूरा करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। नर्सिंग कर्मियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने अपने वादों को पूरा करते हुए उन्हें नियमित करने के लिए आदेश जारी नहीं किए तो नर्सिंग कर्मी बड़ा आंदोलन करेंगे। राजस्थान संविदा नर्सेज आज नियमित करने की मांग को लेकर यहाँ पे साकेत प्रदर्शन कर रही है और मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री, प्रधानमंत्री और जाकर नए कर के माध्यम से हमने इससे पहले गेट मीटिंग की थी कि जेरन मेडिकल कॉलेज की आपातकाल विभाग के सामने। स्वराज संकल्प के दौरान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने कहा था कि संविदा नर्सेज को नियमितकरण किया जाएगा, सभी को परमानेंट किया जाएगा, लेकिन आज तक हमारी मांग नहीं सुनी। आज संविदा नर्सेज अल्प वेतन भोगी है, कम वेतन में और इतना अधिक काम करती है, 5-10 सालों से काम कर रही है, कोई 3 साल से, कोई 7 साल से, लेकिन सरकार ने अपने स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान कहा था कि हम सभी को परमानेंट करेंगे। हम समान योग्यता रखते हैं, समान योग्यता, समान कार्य करते हैं, अधिकतर हम परमानेंट वाले स्टाफ से ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन हमको आज तक नियमितकरण नहीं किया। सरकार ना तो आश्वासन देती है तो मुकर जाती है। पिछली बार भी हमने धरना प्रदर्शन किया था, 48 दिन धरना चलाया था, लेकिन सरकार ने हमारी मांग नहीं सुनी। हम सरकार, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को और माननीय प्रधानमंत्री को हम कहना चाहते हैं, उपचुनाव में अगर हमारी नियमितकरण की मांग को जल्दी नहीं सुना तो हम लोकतंत्र में तानाशाही के खिलाफ हम मोर्चा खोलेंगे और चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे और आने वाले चुनाव में हम दिखा देंगे कि नर्सेज का जो तिरस्कार है, कर्मचारी का तिरस्कार है, वो क्या होता है।
मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि सरकार वो नियमित कर्मचारी जो प्रोबेशन लिए उनको जितना पेमेंट देते हैं उतना ही हमको दिया था, 14,660 उनको देती है, 14,660 हमको देती है। सरकार को नियमित करने में क्या जा रहा है? अगर हमारे कर्मचारी नियमित हो जाएं तो उनके परिवार चल जाए। आज मैं 32 साल का हो गया, सरकारी नौकरी में किसी में फॉर्म नहीं भर सकता क्योंकि NOC नहीं देते मेडिकल कॉलेज वाले, मना कर देते कि आप दूसरी के चल जाओगे, दूसरी के फॉर्म नहीं भर सकते, ये नियमित करते नहीं तो हम जाएगा। सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी नियमित करें, नहीं तो पूरी संविदा नर्सें भूख हड़ताल में बैठेगी। लास्ट उपाय हमारा यही है, लोकतंत्र में अगर वो हमको मारना चाहेंगे तो मार सकते हैं, लाठी चलवाएंगे तो लाठी चला सकते हैं। हमारी मांग एक ही है, नियमितीकरण। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गंगा सरन चार्टर कार्यकारी जिलाध्यक्ष संविदा नर्सें और राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन क्लास अजमेर। बोरा से चामुंडा माता तक सड़क निर्माण कार्य का हुआ शुभारंभ, मंत्री देवनानी ने किया शुभारंभ। 1,40,00,000 की लागत से बनेगी सड़कें। पुराज गांव से चामुंडा माता तक के लिए सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। शिक्षा पंचायत राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी, मेयर धर्मेंद्र गहलोत, जिला प्रमुख वंदना नोगी ने सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। निर्माण कार्य के शुभारंभ के मौके पर आयोजित समारोह में क्षेत्र के लोगों ने अतिथियों का स्वागत किया। इस क्षेत्र में सड़क निर्माण की मांग लंबे समय से की जा रही थी। देवनानी सड़क के लिए विधायक कोष से 1,40,00,000 रुपए की स्वीकृति दी है। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रवासियों ने पानी की समस्या की ओर ध्यान दिलाया। इस पर मंत्री देवनानी ने क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त किया कि जल्द ही उनकी पानी की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। इस सड़क के बनने से बोराज होकर चामुंडा माता जाने वाले लोगों को सुविधा हो जाएगी। किसी दिन इस बोराज से चामुंडा माता के मंदिर की सड़क का अपन श्री गणेश कर रहे हैं। यह बहुत दिनों से आप लोगों की इच्छा थी। जब से ये क्षेत्र मेरे जिम्मे आया तब से लगातार तारा भाई सभी लोग डिमांड करते थे और इस ऐतिहासिक क्षण में अपने पास मंच पर सब अजमेर की हस्तियां विराजमान हैं। आज पहली बार है कि एक हेला जी जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सभी लोग अपने बीच में हैं। बहन वंदना जी, हमारे यहाँ के मेयर भाई धर्मेंद्र जी, जिन्होंने शहर में धूम मचा रखी है कामों की, और साथ में हमारे पार्टी के अध्यक्ष भाई अरविंद जी, पार्टी के महामंत्री। हमारा काम है जो आप और हमको बीच में लाते हैं, ऐसे संगठन के लोग जिनमें हमारे मंडल के अध्यक्ष, यहाँ की सरपंच बहन मतिया जी, और गांव के चाहे भंवर सिंह जी हों, तारा भाई हों, जय सिंह जी हों, नाना जी की सेवा करना सबसे बड़ा काम होता है। अपन सब जीवन जीते हैं किसके लिए? माँ की सेवा, माता की सेवा, और इस क्षेत्र के लिए तो चामुंडा माता, इसे एक दो जयकार लगाएंगे, चामुंडा माई की जय। आवाज ताकत नहीं हटो, आवाज ही नहीं आई, तक आवाज थोड़ा सड़कों तक तो पहुंचे तक मारा। मेयर साहब जो है बटे फिर और काम भी कराई, चामुंडा माई की जय। में पहली बार तारा भाई लाए थे उस समय विकास के काम की बात चली, सबसे पहले वहाँ अपने पास तो अपने सुविधाओं का के लिए कहा था तो 3,00,000 से वहाँ पे कोई टॉयलेट्स वगैरह साइड में बनवाए थे। उसके बाद UIT से सड़क की बात आई तो अपन देखा वहाँ सड़क बनी है ऊंचाई पे, बीच में सारा ये बिल्कुल कच्चा था, आप सबको पता है। उसके बाद आया कि यहाँ से बोराज से वहाँ तक जानी चाहिए, तो आज 1,40,00,000 रुपया या 1.5 किलोमीटर सड़क बन रही है। आज तक आपा तो कहता यार 1,00,000 रुपया भी बनवाई दो, 5,00,000 भी बनवाई दो, और एक साथ 1,00,00,000 मतलब 140,00,000 रुपया या सड़क बन रही है। और हमारे वो ठेकेदारों बात भी कर ली थी कि यार एक सप्ताह में शुरू कर दे और 4 महीना के अंदर पूरी कर लेगा, रास्ता में कटे कटे पानी भी आवे, तो 4 जगह RCC पुलिया भी बननी ताकि पुलिया में पानी निकल जावे और आगे नहीं बढ़े, नहीं तो पानी आवे डामर रोड फिर टूट जाते हैं, तो वह नहीं हुए या भी सावधानी बरती। फिर मेरे माताएं बहनें आई हैं, सब पानी भी बड़ी समस्या है, या पानी की समस्या नहीं भी जानो क्यों, अजमेर वासी हों, 4-4 दिन में एक बार आते, और अब हर जगह 6-6 इंच की पाइपलाइन भी आप बिछाई रहे, आपने वास्ते 38,00,000 रुपया की पाइपलाइन भी स्वीकृत करवाई थी। थोड़ा दिन में वह पाइपलाइन भी आ जाई तब पानी की समस्या भी निजात मिली। ये वास्ते है कि हमेशा ये बोराज गांव हमेशा हमारे साथ रही हुए,
जब भी गयो तब लगभग 80% 90% पोलिंग आपने हमारे साथ की। सरकारी स्कूल के विकास को लेकर हुई महत्वपूर्ण बैठक, बैठक में अधिकारी, स्कूल प्रबंधक और एनजीओ ने लिया भाग। विभिन्न मामलों का निस्तारण हाथोहाथ किया गया। सरकारी स्कूल से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए जिला निष्पादन समिति और स्कूल सलाहकार समिति सहित एनजीओ की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में स्कूल के विकास से जुड़े विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श हुआ। इस दौरान कई विभाग के अधिकारियों ने भी भाग लिया। विभिन्न ग्रामीण स्कूलों में कैमरों निर्माण सहित अन्य व्यवस्थाओं को बनाने के लिए किसी न किसी कारण से विकास कार्य अटक पड़े हैं। इन विकास कार्यों को समय पर कराने और इनमें आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए बैठक आयोजित की गई थी। पदाधिकारियों ने विभिन्न स्कूलों के विकास के लिए अपने सुझाव भी दिए। जिला निष्पादक समिति और स्कूल सलाहकार समिति, इन दोनों में जिले भर के जो शिक्षा अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए और उसमें जिले से संबंधित शैक्षिक और भौतिक जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के लिए अन्य विभागों को भी यहां बुलाया गया ताकि एक साथ बैठकर सभी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। जैसे खेल मैदानों पर अतिक्रमण है, खेल मैदानों की भूमि का आवंटन है, कमरों का निर्माण है स्कूलों में, इन सब समस्याओं को का निराकरण करने के लिए सभी विभागों की एक समन्वित बैठक श्रीमान एडीएम साहब कैलाशजी शर्मा की अध्यक्षता में आज आयोजित की गई और इसमें आज विशेषकर एनजीओ भी शामिल हुए जो इस अजमेर ज़िले में शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो सभी ने मिलकर आज अब तक की इस सत्र की जितनी विद्यालयों की समस्याएं हैं उन पर बैठकर विचार मंथन किया और कई समस्याओं का समाधान यहाँ संभव हो सका। सर, मीटिंग का निचोड़ क्या रहा? मीटिंग का निचोड़ ये रहा है कि जिन विद्यालयों में अभी तक काम स्वीकृत हो गए हैं नरेगा के माध्यम से और प्रारंभ नहीं हो पा रहे हैं तो तुरंत जिला परिषद के जो जयन अधिकारी आए हैं उनको आज निर्देशित किया गया कि उनमें कार्य प्रारंभ किया जाए। जहां खेल भूमि की आवंटन नहीं हुआ तो वहां भी जो अधिकारी आए हैं ब्लॉक स्तर से उनको निर्देशित किया गया कि भाई वो भूमि आवंटित किया जाए। और अब तक जो नामांकन की स्थिति है और विद्यालय में शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो कुछ समस्याएं सामने आ रही है उन पर विचार करके और सबको ये बताया गया कि भाई अब हमें आगे प्लानिंग हमने तैयार की है कि अब हम क्या काम करें कि जिससे कि हमारे अच्छे परिणाम विद्यालयों के सामने आए और विद्यालय आदर्श विद्यालयों के रूप में और उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में स्थापित हों। तेजपाल उपाध्याय, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा प्रथम। सरकारी स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीट के बाद अब होगी मदर टीचर मीट। मंत्री देवनानी ने की बड़ी पहल, स्कूल टीचर करेंगे माँ के बच्चों से संवाद कायम। शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी की ओर से सरकारी स्कूल के क्षेत्र में सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों के चलते कई नए प्रयोग हो रहे हैं। निजी स्कूलों की तर्ज पर पहले देवनानी ने सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग शुरू कराई, अब मदर टीचर मीट शुरू होने जा रही है। मंत्री देवनानी ने बताया कि इस प्रयास से बच्चों की माँ को बच्चों के स्कूल की सारी गतिविधियों की जानकारी मिल जाएगी, वहीं टीचर को बच्चे के घर की गतिविधियों की जानकारी होगी। ऐसे में दोनों के बीच बच्चों की पढ़ाई को लेकर बेहतर निर्णय लिया जा सकेगा। अभिभावकों का जुड़ाव हो, वहाँ की गुणवत्ता में सुधार हो, इस दृष्टि से पिछले वर्ष हमने पेरेंट टीचर्स मीट शुरू किया और साल भर के अंदर 4 पेरेंट टीचर मीट शुरू की। इस बार उनमें से एक मदर टीचर्स मीट हमने निर्णय किया जो कल 18 नवंबर को राजस्थान के लगभग 65,000 स्कूलों में आयोजित होंगी, जहाँ माताएं आएंगी। इसको एक तरह से मातृ सम्मेलन का भी यदि स्वरूप कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन मातृ सम्मेलनों में मदर टीचर्स मीट के अंदर माताएं अपने नौनिहालों की पढ़ाई की हालचाल जान सकेंगी, अध्यापकों से मिलेंगी, उनको कौन पढ़ा रहा है इसकी जानकारी लेंगी, उनका स्तर कैसा है उसकी चर्चा होगी, स्कूल की व्यवस्थाओं की चर्चा होगी। इस तरह मिला करके स्कूलों के साथ माताओं को जोड़ना, पेरेंट्स को जोड़ना ये एक सार्थक प्रयास है। मुझे लगता है उससे जहां आपस में सामंजस्य बढ़ेगा, अभिभावकों का जुड़ाव बढ़ेगा, माताओं का जुड़ाव बढ़ेगा और बच्चों में भी एक लगेगा कि मेरी माँ आज मेरे स्कूल आई हैं, उसका एक लाभ होगा। इससे शिक्षा के अंदर जो गुणवत्ता में सुधार होगा निश्चित रूप से ये पिछले वर्षों की तुलना में हम आगे बढ़ेंगे और राजस्थान की शिक्षा को एक नए आयाम प्राप्त होंगे। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें faizalhind.com। सच के साथ।